हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत पटेल। आप देख रहे हैं रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इमेज एसईओ कैसे करते हैं जिससे आपकी वेबसाइट टॉप में रैंक करेगी। जो आप हम इमेज क्रिएट करोगे कॉपीराइट फ्री इमेज, वो भी टॉप पर रैंक करेगा। एंड आपका यह टेक्निक गूगल की न्यू एल्गोरिथम पर काम करेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब की बटन पर प्रेस करें, घंटे की बटन पर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आ गए लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। आपको सबसे पहले एक फ्री कॉपीराइट इमेज को डाउनलोड करना है। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे अन प्लस पर इंटर करेंगे। यहाँ से आपको जो भी इमेज चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डालता हूँ एटीट्यूड इंटर करूँगा। एटीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी सारी इमेज आपके जी, देखो फ्रेंड्स काफ़ी सारी इमेज आ गई। अब आपको इसको कोई सी भी इमेज को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ये कॉपीराइट फ्री इमेज है, ये देखो फ्रेंड्स डाउनलोड हो चुकी है। ये देखो फ्रेंड्स डाउनलोड हो गई है। अब आपको चलना है कैनवा पे इंटर करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉग बैनर पे सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इमेज को अपलोड करेंगे। ये इमेज ले लेते हैं, इस इमेज पर यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रॉप करना है। सबसे पहले आप ये करने के बाद आपका जो कीवर्ड है, आप अगर गूगल पे टॉप पर रैंक कराना चाहते हैं तो उसको कीवर्ड को पहले तो आप पर इंटर करेंगे एटीट्यूड स्टेटस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये देखो। फिर आपको क्लिक करना इमेज पर। जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एनालिसिस करना है कि मेरे को ऐसे कैसे डिजाइनिंग करना है कि जिससे मेरी इमेज है जो टॉप पर रैंक करे, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे मेरी इमेज रैंक करे। यहाँ से इमेज का एडिटिंग एंड डिजाइन को आपको एनालिसिस करना है। ये देखो फ्रेंड्स एटीट्यूड से रिलेटेड, ये जहाँ से आपने एनालिसिस कर लिया तो आपको कैनवा पे जाना है। अब आपको कैनवा, आपने तो एटीट्यूड स्टेटस का इमेज का एनालिसिस कर लिया, अब आपको कैनवा एडिटर पे आना है और उस इमेज को इस टाइप से एडिट करना है जिससे आपका इमेज है जो टॉप में रैंक करे। आप तो डिजाइनिंग का डिजाइन तो अपने अपने माइंड से करोगे कि किस टाइप की डिजाइनिंग करना है, मैं नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आना है, उसके इमेज के ऊपर टेस्ट टेस्ट मतलब स्टेटस को ऐड करना है। तो आप ऐड हेडिंग पर क्लिक करेंगे और ये स्टेटस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये स्टेटस को कॉपी पेस्ट कर लिया, आपको इसको बोल्ड करना है। बोल्ड तो हो गया ये। अब आपको इसके पीछे आप एक इसको छोटा करके ये यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं सब कुछ। अब आपको इस पर मोर पर क्लिक करना है और इमोजी पर क्लिक करना है। जी देखो फ्रेंड्स लव से रिलेटेड इमोजी आ गई। आपको इस इमोजी को उठाना है और यहाँ पे इसको
पेस्ट कर देना है, और आप इस इमेज का इमेज से यहाँ पे फिल्टर करके थोड़ा सा हल्का ब्लर कर दीजिए, हल्का ब्लर कर दीजिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये हो गया। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। अच्छी इमेज बनाओगे, अच्छा एडिटिंग करोगे तो आपकी इमेज स्वाभाविक है कि टॉप पर रैंक करेगी, एंड आपकी वेबसाइट में अच्छा खासा इमेज से ट्रैफिक आएगा। अब इस इमेज को डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हो चुकी है, मैंने डाउनलोड कंप्रेस करना है, कंप्रेस tpng.com पर जाना है, फर्स्ट इसको ओपन करना है, और जो इमेज ये इमेज इसको कंप्रेस करना है। ये देखो फ्रेंड्स 281 KB की है, ये कंप्रेस होके इसका KB कम हो जाएगा, तो स्पीड इमेज वेबसाइट खोलने में आपको स्पीड ही आपकी हाई हो जाएगी। यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड करना है, ये कंप्रेस हो गया। अब आपको ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये ब्लॉगर अकाउंट ओपन हो गया मेरा। अब आपको यहाँ पे आपको एक उसी इमेज को होस्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिए। ये देखो फ्रेंड्स, इसको सेलेक्ट करना। ये देखो फ्रेंड्स, वो इमेज होस्ट हो गई। आपको इसमें आप स्मॉल भी कर सकते हैं, मीडियम भी, लार्ज भी, एक्स लार्ज भी, ओरिजिनल भी। आप हमेशा लार्ज रखें या ओरिजिनल, ओरिजिनल में साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको हमेशा लार्ज रखें। लार्ज पर क्लिक करने पर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को प्लेस कर सकते हो, टाइटल टैग्स दे सकते हो, AL टैग्स पर अपना कीवर्ड प्लेस कर सकते हो। मैं डाल देता हूँ जैसे एटीट्यूड स्टेटस, इस कीवर्ड पे मेरा ये वेबसाइट ये टॉप पर रैंक करेगी। और यहाँ पे AL टैग्स पर उसी को कॉपी पेस्ट करना है। ये इमेज का प्रॉपर्टी हो गया। अब आपको ऐड पर क्लिक करना और यहाँ पे लिखना है एटीट्यूड स्टेटस, ये आपका कीवर्ड प्लेस हो गया, जिससे आपको वेबसाइट का आपका कीवर्ड प्लेस भी हो गया, जिससे आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा इस कीवर्ड के थ्रू, और आपकी इमेज है जो टॉप पर रैंक करेगी, और आपकी वेबसाइट इमेज कम MB होने के कारण फास्ट मिनी 1-2 सेकंड पर खुल जाएगी। और ये मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने कि आप ब्लॉगर पे आप व्हाट्सएप शेयरिंग बटन कैसे लगाते हैं, मैं उसको आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो आप वहां से जाके यह वीडियो देख सकते हैं कि आप ब्लॉगर पे व्हाट्सएप शेयरिंग बटन कैसे लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।